बिस्मिल्लाह गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग करते शुरू, तो आज का व्लॉग फुल इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूंगा। और गाइस चेक करें, बाहर आया हूं और आपने बताना है कैमरा का रिजल्ट कैसे आ रहा है। गाइस चेक करें पीछे कितने मज़े की जगह है, और मुझे लगता है फ़ोन ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत ब्लर करता है जिसकी वजह से क्वालिटी बेस्ट आ रही है। और मैं बाहर थोड़ा बहुत घूम रहा हूँ आपको गाइस, और एक आवाज़ आ रही होगी, बताऊँ किस चीज़ की। चेक करें जैन है, जैन साहब क्या कर रहे हैं? इधर वो ट्रैक्टर पे चढ़ के क्या कर रहे थे? अबू होता ना आपका करता टिशू, अबू ने मारना था। ओए इधर आ जाओ अब, ऊपर नहीं बैठते, इधर आओ, इधर आओ, इस साइड आओ, बाइड आओ। जूते कहाँ ताड़ी है? घूमे तो इधर नहीं रखते, इधर नहीं रखते, गंदे बच्चे होते ऐसे नहीं रखते। और इधर जारून भी है, जारून क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? देखो कितनी मिट्टी मिट्टी हुई है आपके पाँव में, देखो। और कहीं चेक करें इधर इतनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, बालन पड़ा हुआ है। और देखिए इतनी सारी लकड़ियाँ, हमें टेंशन नहीं होती अगर आग बालनी है तो कोई टेंशन नहीं। गाइस मैं आपको बताता हूँ हमारे घर के पीछे ये ट्रैक्टर क्यों खड़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रैक्टर ना इसलिए खड़ा हुआ है, पीछे ट्राली भी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से ईंटें उठा के लोड कर रहे हैं ट्राली में, और ये ईंटें सारी लेके जाएंगे उस साइड, क्योंकि एक मजेरा का घर बनना है। नहीं इतनी सारी ईंटें लोड करनी है, इधर से पता नहीं अब कितनी ईंटें उठाते हैं और लेके जाते हैं। गाइस चेक करें मैं अब घूम रहा रोड पर, और इधर बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं, खाना शाना जो खाया वो हजम भी हो। गाइस चेक करें बाल बहुत बड़े हो गए हैं देखें, और आपको गाने की आवाज़ आ रही होगी। ये गाना कौन लगा सकता है? उस्ताद ही लगा सकता है। मैंने कहा थोड़ा सा चल भी लेंगे और उस्ताद को भी देखा था, उस्ताद कर क्या रहा है। मुझे घर पर आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा देख के तो आते हैं। फिर देखा उस्ताद इधर रूटा वेटर मार रहे हैं, और वो देखे गाइस उस्ताद काम कर रहे हैं। अकेले अकेले करता रहता, मुझे बताता नहीं, वरना मैं मुझे बताया तो मैं भी साथ चला जाऊं और थोड़ा बहुत काम शाम इसके साथ कर लूं। गाइस हमने साड़ियाँ मौसमियाँ वगैरह लगाई हैं, और उस तरफ अमरूद है, मज़ा आता खाने में। और जब ये पक जाती हैं आते हैं उतार खा लेते हैं, अमरूद भी खाते हैं। और गाइस चेक करें उस्ताद इधर रूटा वेटर मार रहा है इसके बीच बीच, क्यों गाइस चेक करें उस्ताद ऐसे रूटा वेटर मार रहा है। यहाँ से देखें कितना साफ सुथरा हो गया, और कितना प्यारा भी लग रहा है ये देखें, कितना प्यारा लगने लग गया पौधे। वरना यहाँ से देखो घास है, इतना मज़े का नहीं लगता यहाँ से। अब पता नहीं कब तक उस्ताद काम करेगा, और देखे कैसे रूटावेटर चलता है। गाइस मैं तो नहीं चलाने वाला, क्योंकि यहाँ पर चलाना बहुत मुश्किल है। अगर थोड़ा सा मैंने इधर उधर कर दिया तो पौधा उड़ सकता है, और अबू मुझे कहेगा, अबू फिर मुझे डांटेगा। मैं इधर नहीं करने वाला क्योंकि अभी मैं सही ड्राइवर नहीं बन। गाइस जहाँ खुली जगह हो ना और टेंशन नहीं होती, यहाँ से गुजार दो वहाँ से गुजार दो, बाबू बंदा मार लेता है। पर इधर पौधे हैं इसका ध्यान रखना पड़ता है, फिर उस्ताद तो फुल ड्राइवर है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और गाइस मेरा भी दिल करता है मैं बाहर जाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, जैसे उस्ताद काम कर रहा है आपको भी दिखाऊँ। आपको पसंद आता है तो फिर मेरा और ज़्यादा दिल करता है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। ये देखें ये क्या चीज़ है, जब मैंने इसको देखा है ना, मैं कहूँ ये क्या चीज़ है, मैं डर गया हूँ और मैं पास आके बैठ गया हूँ। आपने कमेंट में बताना है क्या चीज़ है, मुझे भी नहीं पता, मुझे लगता मैंने भी पहली बार देखा है। गाइस मैं तो थक गया हूँ, मैं पहले पीछे पीछे जा रहा था और फिर ऊपर चढ़ गया ट्रैक्टर के, मैं तो थक गया चल चल के मुझे देखो पसीना भी आने लग गया। और उस्ताद कह रहा मैं 12 बजे आ जाऊँगा, अभी तकरीबन 10 बजने हैं, 2 घंटे इसने अभी काम करना, फिर मैं तो जा रहा हूँ घर। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि अमर भाई, अबू और मुझे लगता है आफ्ताब भाई भी गए हुए हैं, किधर? पेशावर, वो गए हुए हैं पेशावर। सुबह सुबह निकले थे 3 बजे, मेरी आँख खुली मैंने देखा है उनको, और वो निकल गए हैं गाड़ी पर पेशावर। बताऊँ क्या करने गए? तो हमारी गाड़ी नहीं 1.6 उसका न्यू इंजन डलवाने गए हैं, क्योंकि ना इंजन मसला कर रहा था, ज़्यादा मोबाइल खा रहा था, तो अबू ने कहा इंजन तब्दील करवा लेते हैं। गाइस वो न्यू इंजन डलवाने गए हैं, सुबह सुबह निकले हैं, अब शाम तक आ जाएंगे और फिर आएंगे, फिर मैं आपको चेक करवाऊँगा कैसी रेस देती है, क्या फ़र्क है। और वो कह रहे थे गुर्जों से कंप्रेशन मरेशर या छोटा मोटा जो मसला वो भी सेट करवा आएंगे, मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। कहीं इधर खड़े हुए हैं और देखें टायर पंचर हो गया है ब्रेडर का, और यान अभी इधर पेंचर लगा रहा है, पेंचर लगा रहा है, नहीं नहीं यान पेंचर लगा रहा, वो एक आदमी पेंचर लगा रहा है, एक आदमी आएगा वो पेंचर लगाएगा, अभी वो खाना खा रहा है, कहता 2 मिनट रुक जाओ, मैंने कहा ओके। यान इधर बढ़ के शॉर्मा टांग रहा है,
पता नहीं अब कब तक आएगा और कब तक हम जाएंगे। यहाँ चेक करें, इधर टांग रहे, ये टांगने वाली जगह होती, मैंने यहाँ से सेफ गार्ड उतार दिया था ना, अब यहाँ अब कहाँ टांगे। बाहर आए हुए हैं और बाहर इधर थोड़ा सा सैरमैर कर रहे हैं, घूम शुम रहे हैं, और इधर देखे सारे बच्चे पलटून वगैरह, इधर के बेबी है, रिशा है, उन डांस कर रही हैं, और जैन साहब भी बैठे हुए हैं क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं आइसक्रीम खाने का, कुल्फ़ी खाने का। हाँ, पहले आया है और कहता है आप लोग पैसे लेके आओ, मैं आगे सो के आता हूँ, अब इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा ना वो दूसरे रास्ते से निकल जाए और आए ना, कब तक आएगा, बहुत भूख लगी है, मीठा मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है। जब मैं आपको ना जैन का एक शेर सुनाने लगा हूँ और मुझे सुनाया, कहता है ये व्लॉग में दिखाओ, मैंने कहा ये शेर है पता नहीं क्या चीज़, आपने कमेंट में बताना है। चक्कर में कुल्फी वाला आ रहा है, उतनी देर तक जैन का शेर सुन लेते हैं। जैन साहब चलो बिस्मिल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये बांदर था ये क्या चीज था, क्या बात है, शेर था तो एक चाट फ्री आ गया कुल्फी में। चक्कर ने टीटा बहन ने ये वाली ली है कुल्फी, और बेबी ने ये वाली ली है, और जैन ने ये वाली ली है, जोहेब ने ये वाली, हानिया ने ये वाली, और मैंने ली है स्पेशल कुल्फा 40 वाली ली है, और ये है ही आखिरी थी, मेरी किस्मत में आ गई, सिर्फ ये आखिरी बच गई थी, बाकी 20 वाली रह गई थी और 10 वाली मैंने कहा दे दो, मज़े की है, चस आ रही है। गाइस आजकल लोग इधर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूँगा, और मैं आपको बता दूँ कि अमर भाई की वॉच मैसेज आई है कि वो कह रहा है अभी तो इंजन की सेटिंग मैटिंग हो रही है, अभी नहीं पता हम कब आएँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट लोग में, लव स्टार्टअप में।